दोस्तों फाइनली इंडिया के अंदर रियलमी का X7 Max 5G फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी दोस्तों जो फर्स्ट सेल है वो 4 जून से स्टार्ट होगी। दोस्तों आज मैं आपसे इसी फ़ोन के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनके पास रियलमी का X7 5G फ़ोन है और काफ़ी लोगों के पास दोस्तों रियलमी का X7 Pro 5G फ़ोन। दोस्तों क्या उन लोगों को इस फ़ोन में अपना फ़ोन अपडेट करना चाहिए? दोस्तों जो लोग नया फ़ोन लेने सोच रहे हैं उनको इन तीनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? उनको या फिर रियलमी का X7 लेना चाहिए, X7 Pro लेना चाहिए, या फिर दोस्तों इस फ़ोन के लिए 4 जून तक वेट करना चाहिए? दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको कोई नया फ़ोन चाहिए तो आपको अपने पैसे किस फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा फ़ोन मिल सके, आपके पैसे बेस्ट रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहले पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रियलमी का X7 Max जो फ़ोन है, ये दोस्तों इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी दोस्तों फर्स्ट सेल है वो 4 जून से स्टार्ट होगी। दोस्तों इसके बेस वेरियंट की रेट है 8 GB 128 GB वाले की, वो 27,000 रुपये, और दोस्तों दूसरा वेरियंट आता है इसका 12 GB 256 GB वाला, जिसकी दोस्तों रेट है वो 30,000 रुपये। दोस्तों ये प्राइस के मामले में रियलमी के X7 Pro जैसा ही है, बट दोस्तों इसमें कुछ ऐसे फीचर दिए गए हैं जो दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फ़ोन के कुछ फीचर के बारे में, उसके बाद दोस्तों आपको कंपेयर करके बताऊँगा रियलमी के X7 से और X7 Pro से, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन डिस्प्ले की। दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो दोस्तों एक फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। प्लस दोस्तों इसके डिस्प्ले में हमें 120Hz का एक रिफ्रेश देखने को मिलता है। दोस्तों आपको इसमें काफ़ी अच्छी स्मूथनेस देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो दोस्तों MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर। दोस्तों जो प्रोसेसर है ये दोस्तों 6nm बेस्ड प्रोसेसर है। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों इसके एंटूतु स्कोर की बात करें तो वो दोस्तों करीब 7 लाख के आसपास आता है। दोस्तों स्कोर के हिसाब से भी दोस्तों हमारा जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा है। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा की। दोस्तों इसके रियर में यानी बैक में हमें 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो दोस्तों 64 MP का, जिसमें दोस्तों लेंस दिया गया है वो है सोनी का। दोस्तों सोनी के जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको कैमरे के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है 16 MP का कैमरा। दोस्तों कैमरे के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। इसमें दोस्तों आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, और दोस्तों दोनों सिम आप 5G नेटवर्क पर चला सकते हो। जब इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा तो आप इसमें दोनों सिम 5G के ऊपर चला सकते हो। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसकी दोस्तों डिजाइन काफ़ी अच्छी है। इसमें दोस्तों आपको पंच होल में कैमरा दिया जाता है, जो साइड में आता है, जैसे दोस्तों वीवो के फ़ोन में आता था। और दोस्तों बैग में दोस्तों 3 कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। तो दोस्तों डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। बैटरी भी दोस्तों इसकी 4500 mAh की है, और इसकी दोस्तों जो चार्जर है वो 50W का। तो दोस्तों 4500 mAh की बैटरी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगी। अगर आप कितना भी हैवी यूज करते हो फिर भी दोस्तों आपका एक दिन आराम से निकाल देगी। प्लस दोस्तों चार्ज 250W का है, आप उससे अपने फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। कैमरे के मामले में डिस्प्ले को ले लो, या दोस्तों आप प्रोसेसर को ले लो, या कैमरे को, या बैटरी को, कुछ भी ले लो, आपको हर मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जिन लोगों के पास रियलमी का X7 है 5G फ़ोन, क्या उन लोगों को इस फ़ोन को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रियलमी का X7 फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, वो भी दोस्तों वो भी 5G फ़ोन है, और ये भी, बट दोस्तों अभी इंडिया में 5G नहीं आया है। तो जिन लोगों के पास रियलमी का X7 है वो दोस्तों अपने उसी फ़ोन को चलाएं, उनको इसमें अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं कैमरे में, और दोस्तों कैमरे को लेके और प्रोसेसर को लेके, बाकी दोस्तों सब कुछ सेम साइज इसमें लग रहा है मुझे, डिजाइन भी, कैमरे भी, और दोस्तों रियलमी की ब्रांडिंग दोस्तों रियलमी की X सीरीज सेम ही लग रही है मुझे, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहे हैं। तो जिन लोगों के पास दोस्तों रियलमी का X7 है या दोस्तों X7 Pro है, उन लोगों को इसमें अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसी फ़ोन को चलाएं। बट जिन लोगों को दोस्तों एक नया फ़ोन चाहिए और उनका बजट दोस्तों 30,000 रुपये के पास है, तो दोस्तों वो लोग रियलमी का X7 Max इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, जिसकी दोस्तों फर्स्ट सेल 4 जून को स्टार्ट होगी। तो दोस्तों जिन लोगों को अगर 30,000 रुपये तक का फ़ोन चाहिए तो वो दोस्तों रियलमी का X7 Pro की जगह इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं,
और दोस्तों जिन लोगों का बजट सिर्फ 20,000 रुपये का समथिंग है तो दोस्तों वो लोग रियलमी का X7 5G फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही फ़ोनों में रियलमी का X7 और X7 मैक्स में 10,000 रुपये समथिंग का फ़र्क है। तो आप अपने प्राइस के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको पैसों की कोई टेंशन नहीं है और आपको एक नया फ़ोन चाहिए तो दोस्तों आप रियलमी के X7 मैक्स की तरफ जा सकते हो, इसके लिए वेट कर सकते हो 4 जून तक। बट दोस्तों आपको बजट ही नहीं है इतना, आपको बजट सिर्फ 20,000 रुपये के आसपास है, तो आप रियलमी का X7 ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपका बजट 25,000 रुपये का समथिंग है, आपका बजट 30,000 रुपये नहीं है, बट आप 25,000 तक अरेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बोलूँगा इन सबसे बेटर है कि आप रियलमी का X50 Pro ले लो, जो दोस्तों आपको सिर्फ 24,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों वो एक फ्लैगशिप फ़ोन है और उसमें तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो दोस्तों सिस्टम है काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो फ़ोन मैंने अभी आपको बताए हैं ये इतनी प्राइस पे लॉन्च हुए हैं 30,000 रुपये पे, कोई 27 पे, और दोस्तों रियलमी का X7 19 करीब पे। बट दोस्तों रियलमी का X50 Pro ये फ़ोन है, इसी कंपनी का फ़ोन रियलमी का, वो दोस्तों 35,000 रुपये से ऊपर में लॉन्च हुआ था। बट दोस्तों अभी वो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसीलिए उसमें दोस्तों आपको प्राइस कम होकर मिल रही है। बट दोस्तों उसका जो प्रोसेसर है इन सबसे काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का A65। तो दोस्तों आप उससे पता लगा सकते हो कि स्नैपड्रैगन के दोस्तों ये प्रोसेसर होते हैं 5G वाले, वो काफ़ी तगड़े होते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपका बैठ दोस्तों अगर 25,000 रुपये के आसपास है, आप 25,000 तक कर सकते हो, तो रियलमी का X50 Pro ले लो। और दोस्तों नहीं आपको रियलमी का एक नया फ़ोन चाहिए तो आप रियलमी का X7 मैक्स ले सकते हो, जो दोस्तों 30,000 रुपये का समथिंग आएगा। और आपका बजट दोस्तों काफ़ी कम है तो आप रियलमी का X7 ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है उन सब में दोस्तों काफ़ी सिर्फ प्राइस का फ़र्क है और बाकी जो जितने भी फ़ोन दोस्तों जो सब एक ही ब्रांड के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।